पंजाब कांग्रेस में अंदरूनी झगड़ा खत्म करने के बाद अब पार्टी हाईकमान के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि नवजोत सिंह सिद्धू और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच में तालमेल बैठाना, ताकि 2022 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पूरी मजबूती से पंजाब का विधानसभा चुनाव लड़ सके और जीत सके। सूत्रों के अनुसार अब यह खबर आ रही है कि दोनों नेताओं के बीच तालमेल बैठाने के लिए कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता का चयन किया है। आपको बता दें, यह भूमिका वरिष्ठ कांग्रेसी नेता लाल सिंह को दी जानी है। लाल सिंह पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, 6 बार विधायक हैं, वर्तमान में भी विधायक हैं। इसके साथ ही वे 1.5 दर्जन से अधिक विभागों में मंत्री भी रह चुके हैं। बताया जाता है कि लाल सिंह के वर्तमान में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ साथ नवजोत सिंह सिद्धू से भी गहरे संबंध हैं। वहीं कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेता लाल सिंह के बारे में कहते हैं कि लाल सिंह का कांग्रेस के हाईकमान के साथ पंजाब कांग्रेस में सभी उनका सम्मान करते हैं। वे पंजाब में ऐसे नेता हैं जिन्हें पद का कोई लालच नहीं है। यदि वे मंत्री भी ना बने तो भी उन्हें इस बात से कोई गुरेज नहीं है। उनकी इच्छा तो बस केवल किसी भी सूरत में पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनाना है, जिसके कारण पंजाब के साथ साथ विपक्ष के लोग भी उनका काफी सम्मान करते हैं। ऐसी ही खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए SPN News के साथ। धन्यवाद।